पोप यानी कैथोलिक ईसाई जगत के सबसे बड़े धर्म गुरु और कार्डिनल यानी वो पादरी या धर्म गुरु जिन्हें पोप दुनिया भर में नियुक्त करते हैं। पोप का चुनाव दुनिया भर के कार्डिनल मिलकर करते हैं। पोप के चुनाव के लिए दुनिया भर में मौजूद कार्डिनल को रोम की वेटिकन सिटी में जुटना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को पैपल चुनाव या फिर पैपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। गुप्त मतदान से नए पोप का चुनाव होता है। मौजूदा समय में 69 देशों के 203 कार्डिनल हैं, लेकिन पोप के चुनाव की प्रक्रिया में वही कार्डिनल हिस्सा ले सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम होती है। इस बार पोप के चुनाव में 115 कार्डिनल हिस्सा लेंगे। वैटिकन में सिस्टीन चैपल वो जगह होती है जहां सभी कार्डिनल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। कॉन्क्लेव के दौरान सभी कार्डिनल का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप ऐसी किसी भी चीज को रखने पर मनाही होती है जिससे बाहरी दुनिया से कार्डिनल का संपर्क हो सके। चैपल के अंदर टीवी, रेडियो या अखबार तक की मनाही होती है। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव की गोपनीयता बनी रहे। गोपनीयता की शपथ को अगर कोई कार्डिनल तोड़ता है तो उसका बहिष्कार किया जा सकता है। नए पोप के चुनाव के लिए होने वाली बैठक में सभी कार्डिनल मतदाता पारंपरिक पोशाक में चैपल जाते हैं। फिर वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं और इसके बाद एक कार्ड में उन्हें पोप के लिए अपने पसंदीदा कार्डिनल का नाम लिखना होता है। कोई भी कैथोलिक ईसाई पोप बन सकता है, लेकिन परंपरा के मुताबिक कार्डिनल के बीच में से ही किसी एक को पोप के लिए चुना जाता है। इसके बाद इन वोटों की गिनती होती है, लेकिन ये परंपरा आसान नहीं है क्योंकि किसी भी पोप को बनने के लिए वोट देने योग्य कार्डिनल के आधे से अधिक वोटों की दरकार होती है, जो आसान नहीं है। सभी कार्डिनल जब वोट कर देते हैं तो इसे सबके सामने गिना जाता है। अगर कोई कार्डिनल बहुमत हासिल नहीं कर पाया तो सभी वोटों को जला दिया जाता है और काले धुएं से दुनिया को संकेत दिया जाता है कि अभी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मतदान की यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसी एक कार्डिनल को बहुमत नहीं मिल जाता। कॉन्क्लेव के दौरान कार्डिनल को सिस्टीन चैपल में तब तक रहना होता है जब तक नए पोप का चुनाव नहीं हो जाता। परंपरा के मुताबिक एक दिन में कई सेशंस में वोटिंग हो सकती है और तब तक वोटिंग होती है जब तक किसी कार्डिनल को बहुमत नहीं मिलता। चौथे दिन एक दिन का विराम दिया जाता है ताकि सभी कार्डिनल मिलकर कोई राय बना पाए। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। पिछली शताब्दियों में ये प्रक्रिया कई महीनों तक खिंच गई और इस दौरान कई कार्डिनल की मौत भी हो गई थी। परंपरा के मुताबिक हर बार मतपत्रों को उसी स्टोव पर जलाया जाता है जो एक चिमनी से जुड़ा होता है। इससे निकलने वाला काला धुआं चुनाव जारी रहने का संकेत होता है। चुनाव नतीजे का इंतजार कर रहे लोगों को चिमनी से निकलने वाले धुएं का रंग ही ये बताता है कि पोप का चुनाव हो पाया है या नहीं। नया पोप चुने जाने के बाद ऐसा रसायन जलाया जाता है जिससे चिमनी से सफेद धुआं निकले, लेकिन कई बार धुएं के रंग को लेकर दुविधा भी होती है। इसलिए पिछली बार पोप के चुने जाने पर 6 बार चर्च का घंटा बजाया गया था। पद स्वीकार करने के बाद नए पोप से पूछा जाता है कि वो कौन सा नाम लेना चाहेंगे। नया पोप चुने जाने के बाद वो पूजा सामग्री वाले कमरे में जाते हैं। पैपल के दर्जी नए पोप के लिए हर साइज की पोशाकें तैयार करके रखते हैं। सफेद रंग की पोशाक पहनकर नया पोप बाहर आता है। सेंट पीटर्स की बालकनी में से नए पोप के चुने जाने की घोषणा की जाती है।